स्टूडेंट्स वेलकम टू प्राइडस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आई योर सुनीता लालवानी टीच यू मैथामेटिक्स एंड टूड बच्चा इन द प्रीवियस न्यू टॉपिक विच इजट पहले हमने लिमिट को कंप्लीट किया और कल हमने डेरीवेटिव स्टार्ट किया था और डेरीवेटिव में हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था सो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं सो फर्स्ट टॉपिक है बच्चा एलजेब्रा ऑफ डेरीवेटिवस ऑफ फंक्शंस आज हम डेरीवेटिवस में देखने वाले हैं कि एल्जेब्रा कैसे यूज करना है ठीक है सेकेंड डेरीवेटिव ऑफ पॉलिनॉमियल्स फंक्शन फिर हम चेक करेंगे कि पॉलिनॉमियल फंक्शन अगर हमें गिवन है तो उसका हम डेरीवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे एंड देन डेरीवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सो आज की क्लास में इन तीन टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं फर्स्ट एलजेब्रा सेकेंड हम देखेंगे कि पॉलिनोमियस का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एट लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे ठीक है सो फर्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करते हैं विच इज एलजेब्रा ऑफ डेरीवेटिव ऑफ फंक्शन्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जब हमने लिमिट पढ़ा था तब भी हमने ये टॉपिक को कवर किया था बस डिफरेंस क्या था कि तब हमने लिमिट में एलजेब्रा को देखा था अब हम डेरीवेटिवस में देख रहे हैं बट इनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है देखो एफ एंड जी बी टू फंक्शंस सच देट देर डेरीवेटिव आर डिफाइंड इन अ कॉमन डोमेन यहाँ पे बेटा हम दो फंक्शंस को ले रहे हैं एक है हमारा एफ और दूसरा है हमारा जी फंक्शंस ठीक है तो अगर इनका डोमेन कॉमन है लाइक like अगर एक्स में ले रही हूँ कॉमन डोमेन होना मतलब मैंने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को मैंशन किया है सो so ये क्या है इसका डोमेन है और अगर दोनों का कॉमन डोमेन है और मैं इनके सम की बात करूँ सो द डेरीवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज सम ऑफ द डेरीवेटिव ऑफ़ द फंक्शन देखो मैंने फंक्शन ऑफ एक्स लिया मैंने जी ऑफ एक्स लिया दोनों का डोमेन देखो सेम है एक्स एक्स अगर मैं पहले इनको सम कर रही हूं फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रही हूँ वो किसके इक्वल होगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स ठीक है ये देखो फर्स्ट जो रूल है हमारा बिल्कुल सेम है जैसे हमने लिमिट में पढ़ा था सो so, अगर हम पॉजिटिव साइन यानी प्लस और सम की बात करते हैं सो so, इन दोनों का डिफ्रेंसीशन इंडिविजुअली फंक्शन के डिफ्रेंसीेशन के सम के इक्वल होगा ठीक है सिमिलरली जो सेकेंड रूल है हमारा जो कि बेस्ड सब्ट्रैक्शन पे ये भी बिल्कुल सेम है जैसे आपने लिमिट में पढ़ा था सो डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज डिफरेंस ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ़ द फंक्शन सो यहाँ पे भी देखो अगेन दो फंक्शंस का पहले आपने डिफरेंस लिया फिर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया वो किसके इक्वल है फंक्शन के इंडिविजुअली डेरिवेटिव के ठीक है सो so, आप पहले डिफरेंस लेके डेरीवेटिव फाइंड आउट करो या इंडिविजुअली दोनों फंक्शंस के डेरीवेटिव फाइंड आउट करके डिफरेंस करो वो यहाँ पर सेम होता है ठीक सो फर्स्ट और जो सेकेंड रूल है एलजेब्रा का वो दोनों में सेम है लिमिट में भी और डेरिवेटिव्स में भी थोड़ा सा जो डिफरेंस आता है वो कहाँ आता है आपके मल्टीप्लीकेशन और क्वेश्चन रूल पे देखो डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज गिवन बाय द फॉलोइंग प्रोडक्ट रूल यहाँ पे हम इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम बहुत ज़्यादा इसका यूज़ भी करते हैं देखो फर्स्ट फंक्शन था एफ ऑफ एक्स सेकेंड है जी ऑफ एक्स प्रोडक्ट रूल की बात कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे हमने डॉट को यूज़ किया है ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं देखो बच्चा इसको आप फर्स्ट फंक्शन की तरह ट्रीट करो इसको आप सेकेंड फंक्शन की तरह ट्रीट करो सो so, जो हमारा प्रोडक्ट रूल है वो ऐसा कहता है कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो और सेकेंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ दो बिना कुछ भी चेंज किए ठीक है फिर हम पुट करेंगे प्लस का साइन क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है सो इन टू के साथ हम क्या लेंगे पॉजिटिव साइन अब यहाँ पुट करो पॉजिटिव साइन अब जहाँ पे पहले आपने जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको आपको एज इट इज़ छोड़ना है लाइक फंक्शन ऑफ एक्स को मैं एज इट इज छोड़ूंगी क्योंकि यहाँ मैंने उसी का ही डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था और यहाँ मैंने एज इट इज किसको छोड़ा था जीओ ऑफ एक्स को तो सेकेंड टाइम में जियो ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगी ठीक है एक और बार ध्यान से सुनो हमें क्या करना है हमको पहले फंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड को हमने सेकेंड फंक्शन लिया अब इसके डेरिवेटिव का रूल है कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो और सेकेंड को एज इट इज छोड़ दो ठीक है फिर प्लस का साइन यूज करो जिसका डेरिवेटिव आप यहाँ फाइंड आउट कर चुके हो उसको बेज इट इज छोड़ना है और सेकेंड फंक्शन का यहाँ पे आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ठीक है बिकॉज प्लस का साइन है तो आप इसके जो ऑर्डर है उसको एक्सचेंज भी कर सकते हो मतलब चेंज कर सकते हो लाइक आप ऐसा कर सकते हो कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया सेकेंड का डेरीवेटिव फाइंड आउट कर लो देन प्लस का साइन फर्स्ट फंक्शन का डेरीवेटिव फाइंड आउट करो और सेकेंड को छोड़ दो ठीक है सो बिकॉज ऑफ द प्लस साइन यू कैन चेंज ऑर्डर नाउ नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन अब जब भी आप क्वेश्चन की बात करोगे तब क्या होगा देखो क्वेश्चन में क्या होता है बच्चा एक होता है आपके पास न्यूमरेटर एक होता है आपके पास डिनोमिनेटर ठीक है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम क्या फाइंड आउट करते हैं डेरीवेटिव सो जब भी क्वेश्चन रूल की बात होगी सबसे पहले आप डेरीवेटिव फाइंड आउट करोगे न्यूमरेटर का ठीक है देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स न्यूमरेटर का ही पहले आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ना है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ोगे क्योंकि ये क्वेश्चन है मतलब डिवाइड है तो यहाँ पे आप पुट करोगे निगेटिव साइन ठीक है यहाँ देखो न्यूमरेटर का डेरीवेटिव फाइंड आउट किया था तो न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दो आप डिनोमिनेटर का डेरीवेटिव फाइंड आउट करो और होल डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका कर देंगे हम स्क्वायर ठीक है यहाँ आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते बिकॉज बीच में निगेटिव साइन है अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो फिर आपको साइन भी चेंज करना पड़ेगा फर्स्ट आपको नेगेटिव देन सेकेंड पॉजिटिव लेना पड़ेगा सो so ऐसा कंफ्यूजन ना हो इसलिए सिंपली याद रखो कि पहले आपको न्यूमरेटर का ही डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है डिनोमिनेटर को एजिटिव छोड़ देना है फिर आपको डिनोमिनेटर का डेरीवेटिव फाइंड आउट करना है और न्यूमरेटर को एजिटिव छोड़ना है ठीक है होल डिवाइडेड बाई क्या रहेगा जो भी डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर चलो ये थे आपके चार रूल्स जो कि किस पर बेस्ड है जो हम इसमें यूज करते हैं वो डेरीवेटिव टू एक्स टू पावर एन ठीक है of of to to n. क्या है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल है एक्स टू पावर एन के तो जब मैं इसका डेरीवेटिव फाइंड आउट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा एन एक्स टू दावर एन माइनस वन क्या किया जो पावर थी उसको आपने x के साथ को में मेंशन किया और पावर में से वन माइनस कर दिया बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है सो एक्स टू दी पावर एन कैन बी रिटर्न एस एन एक्स टू दावर एन माइनस वन ठीक है और एन क्या है यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर है एन हमेशा क्या रहेगा एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगा ठीक है और ये ये जो फॉर्मूलिया है ये कहाँ से आया है ये वही आपके फर्स्ट प्रिंसिपल से आया है जो आपने लास्ट क्लास में सीखा था ठीक है चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है अब मुझे फंक्शन का क्या निकालना है डेरीवेटिव तो मैंने डैश से डिनोट किया फॉर्मूला क्या होता है एन दैट मीन्स फाइव एक्स टू दी पावर एन माइनस वन विच मीन्स फाइव माइनस वन सो फाइव एक्स टू पावर फोर दिस इज योर आंसर देखा बहुत सिंपल था यही अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करोगे तो मिनिमम एक पेज का सॉल्यूशन जाएगा राइट right? बट ये एक फॉर्मूला से आप इसको इतना इजीली सॉल्व कर सकते हो आपका दो स्टेप में आंसर आ जाएगा ठीक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सो तो इसको बहुत अच्छे से हमको ध्यान में रखना है चलो नेक्स्ट आते हैं डेरीवेटिव ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस के ठीक है ये कौन सा है आपका सेकेंड टॉपिक है जिसमें हम पोलिनोमियल फंक्शंस का डेरीवेटिव फाइंड आउट करेंगे अच्छा अब पोलिनॉमियल फंक्शन है तो देखो हम एक थ्योरम से इसको समझते हैं लेट फंक्शन ऑफ एक्स विल बी इक्व टू ए एन एक्स टू दावर एन ए एन माइनस वन एक्स टू दावर एन माइनस वन एंड डैश डैश ए वन एक्स प्लस ए जीरो बी अ पोलिनोमियल फंक्शन ठीक है दिख रहा है आपको ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है अब पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसमें जो ए आईज हैं मतलब जो आपको ए वन ए टू ये सब कुछ दिख रहे हैं ये सब क्या है रियल नंबर्स हैं क्या है बच्चा रियल नंबर से और रियल नंबर से आप इनको कैसे ट्रीट कर सकते हो एज अ कांस्टेंट और जो ए एन दिख रहा है वो भी जीरो के इक्वल नहीं है मतलब उसकी भी कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलेगी देन द डेरीवेटिव फंक्शन इज गविन बाय तो अब अगर मुझे इसका डेरीवेटिव फाइंड आउट करना है तो वो कैसे होगा सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे देखो ए एन है ठीक है इसको एज अ कॉन्स्टेंट यूज करेंगे हम x टू दी पावर n है तो x टू दी पावर n के लिए मैं क्या फॉर्मूला प्लूट करूंगी n x टू दावर एन माइनस वन पावर को आगे मेंशन करेंगे और यहाँ पे पावर में से वन लेस कर देंगे ये देखो n x टू दी पावर n माइनस वन और a टू दाव ए एन एज इट इज़ रहेगा सेकेंड देखो ए एन माइनस वन कॉन्स्टेंट है एक्स टू दावर एन माइनस वन तो एन माइनस वन में आगे ले आऊंगी और पावर में से वन माइनस तो एन माइनस वन माइनस वन ये हो जाएगा एन माइनस टू ठीक है और ऐसा ही ये आगे कंटिन्यू होगा बिल्कुल एंड तक सो ए वन एक्स अच्छा ए वन एक्स का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करोगे ए वन तो कांस्टेंट है एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट में हमेशा वन होता है लाइक like, अगर मैं यहाँ मेंशन करूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो एक्स का डेरीवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होता है वन तो इसका डेरीवेटिव क्या हो जाएगा बच्चा ए वन ओनली और ए ज़ीरो तो कॉन्स्टेंट है इसका जीरो हो जाएगा तो लास्ट टाइम आपके पास क्या होगा ए वन ठीक है तो जो अभी फॉर्मुला देखा उस पर बेस्ड ही आपके पूरे डेरिवेटिव होंगे और बिकॉज इनके बीच में प्लस का साइन है तो हम इंडिविजुअली एक एक का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं देखो कंप्यूट द डेरिटिव ऑफ सिक्स हंड्रेड माइनस एक्स टू दी पावर फिफ्टी फाइव प्लस सिक्स पॉलिमियल फंक्शन है सिक्स तो क्या है एक कॉन्स्टेंट नंबर है उसको कुछ भी नहीं करना है एक्स टू दी पावर हंड्रेड सेम फॉर्मुला इफ़ फंक्शन ऑफ़ एक्स विल भी इक्वल टू एक्स टू दावर एन देन फंक्शन डैश ऑफ एक्स विल बीक्वल टू एन एक्स टू दावर एन माइनस वन सेम फॉर्मूला एन क्या है यहाँ पे बच्चा एन है मेरे पास हंड्रेड एक्स टू दावर हंड्रेड माइनस वन बिकॉज एन माइनस वन होता है अब देखो माइनस माइनस यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ क्या है एक्स टू दी पावर फिफ्टी फाइव तो फिफ्टी फाइव को मैं आगे पुट करूंगी और पावर में मैं फिफ्टी फाइव में से वन को लेस कर दूँगी और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन ठीक है सिक्स इन टू हंड्रेड सिक्स हंड्रेड एक्स टू दावर हंड्रेड माइनस वन इज नाइन्टी नाइन देन फिफ्टी फाइव एक्स टू दावर फिफ्टी फाइव माइनस वन दैट इज फिफ्टी फोर और प्लस वन एज इट इज ये है आपका आंसर ठीक है क्या किया सिंपल जो आपको क्वेश्चन दिया था उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया फॉर्मूला ये सेम है जो कि आप हर क्वेश्चन में यूज़ करोगे अगर जो क्वेश्चन है वो एक्स की पावर के टर्म्स में गिवन हो तो ठीक है बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना बस इसको ध्यान में रखना है आपको नेक्स्ट इज ऑफ फाइनिवेटिव ये आपको अगेन एक फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है इट एक्स इक्वल्स टू वन आप मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं आप यहाँ पे मेंशन है मैं वन वो सबसे पहले एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं फिर बोलते हैं हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे बट बच्चा अगर आप पहले ही एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे तो हर जगह तो आपको वन वन दिखने लगेगा है ना और ये सारे क्या हो जाएंगे सारे तो कांस्टेंट नंबर हैं और कॉन्स्टेंट नंबर में तो डेरिवेटिव आपको जीरो ही मिलना है क्योंकि अगर कांस्टेंट नंबर की बात करो तो आप अपने वेरिएबल में कितना भी चेंज कर लो किसी कांस्टेंट नंबर में चेंज नहीं कर सकते ठीक है तो कोई कांस्टेंट चेंज नहीं होगा अगर आप एक्स में या वाई में चेंज करोगे तो इसलिए सबसे पहले आपको डेरीवेटिव फाइंड आउट करना है उसके बाद आपको एक्स की वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करना है चलो तो फंक्शन ऑफ एक्स है अब इसका फाइंड आउट करो डेरीवेटिव वन क्या है कांस्टेंट कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो एक्स का डेरीवेटिव एक्स स्क्वायर का टू एक्स कैसे आया हमने इसको प्रूफ भी किया था लास्ट क्लास में बट आप इस पर फॉर्मुला अप्लाई करो एन एक्स टू दावर एन माइनस वन टू आगे आ जाएगा टू माइनस वन क्या होगा वन और एक्स की पावर वन लिखें या ना लिखें बात तो एक ही है अगेन एक्स क्यूब को मैं क्या मेंशन कर सकती हूँ थ्री एक्स स्क्वायर क्यों पावर को आगे लिखा पावर में से वन लेस कर दिया थ्री माइनस वन करेंगे टू आएगा ठीक है और ऐसा ये कब तक करेंगे हम एट लास्ट एक्स टू पावर फिफ्टी दैट मीनस फिफ्टी एक्स टू दावर फोर्टी नाइन ठीक है सिंपल था वही फॉर्मूला है जो सब में अप्लाई कर दिया अब हम कर सकते हैं x को वन सब्सटीट्यूट तो सब्सटीट्यूट कर दो तो जीरो तो जीरो ही है प्लस वन अब टू इंटू वन टू थ्री इंटू वन थ्री टिल फिफ्टी इंटू वन विल इक्वल्स टू फिफ्टी ठीक है ये मिल गई आपको सीरीज जो वन से स्टार्ट हो रही है फिफ्टी तक दैट मीन्स टोटल कितने टर्म्स हैं आपके पास फिफ्टी और बीच में साइन क्या चल रहा है प्लस का दैट मीन्स सम ऑफ नेचुरल नंबर्स आप बोल सकते हो और आपको पता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है पता है दैट इज़ एन एन प्लस वन बाय टू ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का और एन क्या होता है वहाँ पे एक नेचुरल नंबर होता है सो यहाँ पे आपके पास एन की वैल्यू क्या है टोटल फिफ्टी टर्म्स है दैट मीन्स आपके पास एन की वैल्यू फिफ्टी है सो एस एन विल बी इक्वल टू एन एन प्लस वन बाय टू ये फॉर्मूला है वे आर एन विल बी इक्व टू फिफ्टी एंड हैट फिफ्टी प्लस वन डिवाइडेड बाई टू दैट मीन्स फिफ्टी वन अपॉन क्या किया है? सिर्फ तक जो हमको आउट करना था उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मुला अप्लाई किया है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का ठीक है एन की वैल्यू कितनी थी फिफ्टी क्योंकि हमारे पास टोटल टर्म्स फिफ्टी थे इक्वल्स टू फिफ्टी वन दोनों को मल्टीप्लाई किया टू से डिवाइड कर दिया वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव ठीक है ये किसका आंसर आया है आपका ये आपके आंसर आया है इस पूरे फंक्शन के डेरिवेटिव का ओके okay? इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फिर एक्स की वैल्यू इसको सब्सिट्यूट करना है फिर वो वन गिवन हो या कोई और अदर वैल्यू गिवन हो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगेन फोकस करो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कौन सा फॉर्म दिख रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं देखो यू अपॉन वी का फॉर्म दिख रहा है क्वेश्चन रूल पढ़ा था हमने अच्छा क्वेश्चन रूल को अगर मैं यू और वी के टर्म्स में लिखूँ तो कैसे करूंगी फर्स्ट मेरा क्या है u जिसको मैं x प्लस वन सपोज कर रही हूँ और v क्या है मेरा x इसी का मुझे डेरीवेटिव फाइंड आउट करना है न्यूमरेटर का पहले डेरीवेटिव फाइंड आउट करते हैं दैट मीन्स x प्लस वन एक्स का डेरीवेटिव वन और वन का डेरीवेटिव ज़ीरो और न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ देंगे देन माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ो x का डेरीवेटिव क्या हो जाएगा वन होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर चेक करो सेम फॉर्मूला है जो अभी पढ़ा था यहाँ पे मैंने इसको यू और वी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है सो so दैट आप इसको इजीली कैच कर पाओ ठीक है सबसे पहले न्यूमरेटर का क्या किया डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर को इट इज छोड़ा देन न्यूमरेटर को इट इज छोड़ा डिनोमिनेटर का फाइंड आउट किया डेरीवेटिव होल डिवाइडेड बाय किसका जो आपका डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर ठीक है वन प्लस जीरो वन वन इन टू एक्स एक्स देन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स कैंसिल आउट वी विल गेट माइनस वन अपॉन एक्स कितना सिंपल था सिर्फ इन फॉर्मूलाज की हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो और फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको पता है आपने लास्ट क्लास में भी सॉल्व किए थे मिनिमम वन पेज का सॉल्यूशन आपका जाता है ठीक है सो so इन फॉर्मुला को आपको याद रखना है सो so दैट आप इनको इतनी इजीली सॉल्व कर पाओ डन चलो अब आते हैं बच्चा हमारे नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक पे जो कि आपका थर्ड है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अब क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास जो हम थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं राइट चलो देखो कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ एक्स अब बच्चा साइन एक्स है साइन एक्स क्या है फंक्शन ऑफ एक्स अगर साइन एक्स मेरा फंक्शन ऑफ एक्स है और मुझे क्या चाहिए बिकॉज ऑफ माय फर्स्ट प्रिंसिपल चेक करो फर्स्ट प्रिंसिपल की अप्लाई करने के लिए मुझे एफ ऑफ़ एक्स प्लस एच की वैल्यू चाहिए दैट मीन्स जहाँ भी मुझे एक्स दिखेगा उसको मैं रिप्लेस करूँगी एक्स प्लस एच के साथ सीखा था हमने लास्ट क्लास में अब मेरे पास दोनों वैल्यूज हैं अब मैं उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ सो फंक्शन f डैश ऑफ x विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है बच्चा साइन एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x की वैल्यू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय h क्रॉस चेक सेम फॉर्मूला वैल्यूज हमने वो पुट करी है कौन सा फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव ठीक है अब अगेन जैसे मैंने आपको बताया था इलेवंथ स्टैंडर्ड में जो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करोगे वही आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में एज अ फॉर्मूला यूज करने वाले हो सो so, जो साइन एक्स का आंसर आएगा वो आप वहां पे डायरेक्टली यूज करोगे एज अ फॉर्मुला सो ध्यान से देखना इसको देखो बच्चा अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है साइन एक्स प्लस एच अगर मैं इसको एक एक ही नंबर की तरह ट्रीट करूं लाइक like मैं इसको ए बोल देती हूँ और इसको बी तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमने सीखा भी था और हमने फॉर्मूलाज को लर्न भी किया था सो साइन ए प्लस या फिर माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा टू कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाय टू ठीक है आपने साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस ए माइनस कॉस बी ये सारे फॉर्मूलास पढ़े हैं यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं साइन ए माइनस साइन बी विच इज टू कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू अच्छा यहाँ पे ए और बी क्या है अगर आप ऑब्जर्व करो तो ए की वैल्यू है एक्स प्लस एच और बी की वैल्यू है एक्स फॉर्मूला सेम सो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो देखो ये वन अपॉन एच को मैं यहाँ पे साइड में पुट कर देती हूँ वहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ सो साइन ए माइनस साइन बी टू कॉस ए प्लस बी तो ए प्लस बी में एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाय टू ठीक so है देन साइन ए माइनस बी सो एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाय टू ठीक है फॉर्मुला अप्लाई कर दिया किसका साइन ए माइनस साइन बी का ठीक है अब लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एच एज इट इज एक्स प्लस एक्स मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा टू एक्स प्लस एच अपॉन टू राइट x minus x cancel out that means sin h upon 2 ठीक है अब देखो बेटा आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कहा लिमिट में कि साइन के साथ जो एंगल होता है देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था साइन थीटा अपॉन थीटा वेयर लिमिट थीटा टेंस टू जीरो विल बी इक्वल्स टू वन ये लिमिट का फॉर्मूला आपने पढ़ा था जब आपने लिमिट्स को स्टडी किया था ठीक है दैट मीन्स अगर मेरे पास यहाँ थीटा की प्लेस पे एच आर टू है और मुझे डिनोमिनेटर में भी एच आ टू मिल जाए तो उसकी वैल्यू मैं वन कर सकती हूँ यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में एच तो है बस मुझे टू चाहिए क्या करेंगे देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टर्म है उसको हम एज इट इज मैंशन कर रहे हैं टू कॉस अच्छा मैं इस टू को इंडिविजुअली डिवाइड कर देती हूँ तो टू कॉस एक्स एक्स plus h by 2, 2 cos x plus h upon 2 ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, फिर मेरे पास क्या है sine h upon 2, जो मेरे पास h था, वो मैंने यहाँ sine को दे दिया, बिकॉज multiplication में है टर्म्स आप रख सकते हो, मुझे अपॉन में 2 भी चाहिए, अगर मुझे 2 चाहिए तो मुझे 2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है, अब देखो, sine h by 2 into h by 2, लिमिट h tends टू zero ये टू आपका चल रहा है और इस टू को भी मैं बाहर इस टू के अपॉन में पुट कर रही हूँ क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है वो में है फर्स्ट टर्म कॉस एक्स प्लस एच अपॉइंट टू एज इट इज ये है बच्चा अब देखो लिमिट मैंने इसको भी दी तो मैं इसको भी लिमिट प्रोवाइड कर देती हूँ आपको पता है हम इंडिविजुअली लिमिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं सो साइन एच अपॉइंट टू अपॉन एच एंट टू अब ध्यान से देखो मेरा एच जीरो को अप्रोच कर रहा है कर रहा है अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा h 2 10 टू 0 2 और 0 को आप किसी से भी डिवाइड कर दो आंसर तो 0 ही रहेगा मतलब अगर h 0 की तरफ जा रहा है तो h 2 भी किसी को अप्रोच करेगा 0 को ही अप्रोच करेगा और ये अब बन गया आपका फार्मूला देखो थीटा को रिप्लेस कर दो h 2 से ये आपका सेम फार्मूला है दैट मींस आप इसकी प्लेस पे 1 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ठीक है ये गया ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया अब इस एच को मैं डायरेक्टली यहाँ जीरो पुट कर दूंगी सो so, मुझे क्या मिलेगा कॉस एक्स प्लस जीरो टू दैट मीन्स एक्स ओनली सो आंसर यहीं पे हम पुट कर देते हैं कॉस एक्स एच को यहाँ ज़ीरो पुट करो जीरो अपॉइंट टू जीरो एक्स प्लस जीरो विल बी इक्वल्स टू एक्स ओनली ये टर्म आपका क्या बन गया One वन बन गया मतलब आंसर क्या मिला आपको कॉस एक्स दैट मीन्स साइन एक्स का डिफ्रेंसीेशन क्या होता है कॉस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स अभी आपने इसको सॉल्व किया आपने देखा कितना लेंदी गया जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर रहे हैं बट ट्वेल्थ में आप इसको कैसे यूज करोगे डायरेक्टली ठीक है सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विल बी इक्वल्स टू कॉस एक्स यू नीड टू रिमेंबर दिस ऑल्सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स अगेन जैसे साइन का फाइंड आउट किया सेम हम टेन को फाइंड आउट करेंगे किसकी हेल्प से फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा टेन एक्स प्लस एच ठीक है सब्स्टिट्यूट करें वेल्यूज सो एफ डैश ऑफ एक्स विल बीक्वल्स टू लिमिट एच टें यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स अपॉन एच ठीक है वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दिया अब आपको पता है टेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस दैट इज साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय एच ठीक है चलो अब क्या कर सकते हैं अब हम एल ले सकते हैं सो लिमिट एच टेंस टू जीरो इस एच को मैं यहाँ पे साइड में पुट कर देती हूँ वन अपॉइंट एच ठीक है एल लो एल लेंगे तो क्या मिलेगा कॉसिक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच क्रॉस मल्टीप्लाई करो सो कॉस सिक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स इन टू कॉस एक्स प्लस एच ठीक है पहले वेल्यू सब्सटीट्यूट करी फिर टेन का फॉर्मूला जो कि होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स वो सब्सटीट्यूट किया देन हमने एल ले लिया अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं अब देखो इसको ध्यान से देखो ये कुछ फॉर्मूला दिखेगा आपको साइन अगर मैं इसको ए ले लूं और एक्स को बी ले लू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ध्यान से देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी देखा ये क्या होता है ये आपका फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी जिसको आप अल्फा और बीटा से भी डिनोट कर सकते हो ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का दैट मीन्स साइन अल्फा माइनस बीटा ठीक है अल्फा को आप ए बीटा को आप बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो अदरवाइज अल्फा बीटा सी डी वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डिनोट सो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी विल बी इक्वल्स टू साइन ए माइनस बी तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो किसका है साइन ए माइनस बी का ए की वैल्यू क्या है एक्स प्लस एच साइन ए माइनस बी और बी की वैल्यू क्या है बेटा एक्स है होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स प्लस एच यहाँ पे हमारे पास वन अंट एच है और यहाँ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ठीक है देखो पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स कैंसिल आउट क्या मिला मुझे साइन एच अपॉन कॉस एक्स इन टू कॉस एक्स प्लस एच और यहाँ है वन अपॉन एच अब अगेन बच्चा जब भी आपको साइन दिखे आपको वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इस एच को मैं साइन को इंडिविजुअली प्रोवाइड कर रही हूँ और इस कॉस के टर्म को इंडिविजुअली लिमिट प्रोवाइड कर रहे हैं हम ठीक है इसको हमने इंडिविजुअली लिमिट प्रोवाइड कर दी एच टेंस टू जीरो अब सिमिलरली यहाँ पे हम फिर से लिमिट लिखेंगे एच टेंस टू जीरो किसके साथ साइन एच अपॉन एच के साथ देखो साइन एच अपॉन एच किसका फॉर्मूला है अगर लिमिट एच टेंस टू जीरो है और साइन एच अपॉन एच है मतलब यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे अगर सेम आपको दिख रहा है एंगल तो आप इसको क्या कर सकते हो वन ये पूरा वन हो गया यहाँ पे डायरेक्टली एच को जीरो पुट कर दो तो एच प्लस एक्स है तो एक्स प्लस जीरो क्या हो जाएगा कॉस एक्स ये हो जाएगा वन अपॉन कॉसिक्स इन टू कॉस एक्स प्लस जीरो और ये तो बन गया आपका वन जो कि है फॉर्मूला ठीक है सो वन अपॉन कॉस कॉसिक्स इन टू कॉस एक्स इन टू एक्स क्या होगा दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स और वन अपॉन कॉस ये किसका होता है बच्चा फॉर्मूला देट इज सेक स्क्वायर एक्स वन अपॉइन कॉस स्क्वायर एक्स विल भी इक्वल टू सेक्वायर एक्स दैट मीन्स टेन एक्स का डेरीवेटिव क्या हुआ सेक स्क्वायर एक्स ये भी क्या है ये भी आपका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि टेन एक्स का जो डेरीवेटिव होता है वो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स साइन एक्स का डेरीवेटिव कॉस एक्स टेन एक्स का डेरीवेटिव सेक स्क्वायर एक्स ठीक है डन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कंप्यूटर होगा राइट ऐसा नहीं है क्यों नहीं है साइन एक्स इन टू साइन एक्स लिख सकती हूँ ठीक है ये क्या है मेरा फंक्शन ऑफ एक्स ठीक मैं यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रही हूँ इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड फंक्शन ट्रीट कर रही हूँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगी तो क्या लिखूंगी मैं प्रोडक्ट रूल मतलब फर्स्ट फंक्शन को मैं छोड़ दूंगी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन ठीक है अब बिकॉज प्रोडक्ट रूल है बीच में प्लस का साइन अगेन सेकेंड फंक्शन को छोड़ दूंगी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अब देखो साइन एक्स को तो छोड़ ही दिया है आपने अब डेरीवेटिव ऑफ साइनिक्स अभी जस्ट आप कैलकुलेट कर चुके हो कि साइनिक्स का डेरीवेटिव कॉस एक्स होता है प्लस साइन एक्स को एज इट इज छोड़ो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अगेन क्या होता है एक्स, साइन एक्स इंटू एक्स, साइन एक्स इंटू एक्स, सेम टर्म दो बार है दैट मीन्स टू ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स, अब ये क्या है बच्चा टू साइन एक्स इंटू कॉसिक्स ये हाफ एंगल फॉर्मूला है और किसका फॉर्मूला है ये ये फॉर्मूला है साइन टू एक्स का देखो यहाँ पे टू है वहाँ पे एंगल हाफ हो गया एक्स एक्स सो टू साइन एक्स इंटू कॉसिक्स ये हाफ एंगल फॉर्मूला है साइन टू एक्स का जो कि हम पहले

पोलिनोमियल्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं और अभी आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं ठीक है so, सो ये थे पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको डेरिवेटिव्स के लिए पढ़ने थे अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइजिस के साथ विच इज योर एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू ओके विच इज बेस्ड ऑन डेरिवेटिव सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक बट विद द एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट So, till then, what you need to do? You need to practice and revise these concepts. Okay? And please like, share, and subscribe this channel. Then, in the next class, we will continue with the same topic. Till then, bye bye, Bachcha. Take care and thank you so much.